मध्य प्रदेश के खरगोन में उम्र के 100 साल पार कर चुके सियाराम बाबा आज भी बगैर किसी चश्मे के 21 घंटे रामायण पढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा के तन पर सिर्फ लंगोट होती है। खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर कसरावत विकास खंड के भट्टियान गांव में नर्मदा किनारे सियाराम बाबा का आश्रम है। 1955 में बाबा इस गाँव में आए थे। बाबा के सरल और दयालु प्रवृत्ति के चलते ग्रामीणों ने उनके लिए एक छोटा सा कमरा बनाया। नर्मदा किनारे आश्रम में रहने वाले सियाराम बाबा की उम्र लगभग 100 बरस हो गई है, लेकिन वे 24 घंटे में से करीब 21 घंटे बगैर चश्मे के रामायण पढ़ रहे हैं। तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती है। कड़ाके की ठंड हो, बरसात हो या फिर भीषण गर्मी, बाबा लंगोट के अलावा कुछ धारण नहीं करते। संत सियाराम बाबा श्रद्धालुओं को 10 रुपए से ज्यादा नहीं चढ़ाने देते। वे धर्मशाला और मंदिरों के लिए करोड़ों के दान भी कर चुके हैं। बाबा के आश्रम के पास रोजाना मेला लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।